एमपी तक एमपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। जबलपुर से अजीबोगरीब घटना सामने आई है। जबलपुर में रात के समय एक चोर दुकान में चोरी के इरादे से घुस गया। इस दौरान उसे गहरी नींद लग गई तो वो दुकान के अंदर ही सो गया। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली और अंदर जाकर देखा तो चोरी के इरादे से घुसा चोर गहरी नींद में सो रहा था। दुकानदार ने चोर को पकड़कर स्थानीय गढ़ा थाने की पुलिस को सौंप दिया है। मैं रात में दुकान में अच्छी ताला लगा के गया रहा, दुकान बंद करके गया रहा। सुबह आया मैं तो मेरी दुकान का सामान कुछ बिगड़ा सा समझ में आया। सुबह वही 5:30 बजे का टाइम था तो मैंने अपना दुकान का गेट जैसे ही खोला हूँ तो उसमें एक चोर पाया गया। मैंने उसको तुरंत पकड़ा और मुद के लोगों यहाँ पर आदमी लोग इकट्ठे हुए, उसको पकड़ा। उसके बाद थाने में हम लोगों ने उसको सुपरद किया। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ से बिठा लिया और उसके बाद उनने कोई कार्रवाई नहीं की और उसको छोड़ दिया है। 10:30 से 12:51 की धारा लगाई और उसको वहीं से छोड़ दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी की माने तो आरोपी युवक का नाम सचिन कुरोपा है, जो मजदूरी करता है और किराए के मकान में रहता है। संभवतः ये रात में नशे में था और ठंड लगने के कारण दुकान में रखे काउंटर का ताला तोड़कर सामान हटाकर सो गया था और सुबह सोते हुए ही मिला है। अगर उसे चोरी करना होता तो वो सामान लेकर चला जाता। एक व्यक्ति है सचिन कुरोपा नाम का, जो यहाँ मजदूरी करता है और वो होती है, उनका किराए से रहता है। वो एक्चुअल चोरी की घटना इसको ना माने, क्योंकि चोरी करता तो वो पूरा चला जाता। वो संभवतः रात में अधिक ठंड लगी और हो सकता है पिया स्थिति में हो तो उसने उसका जो ताला वो करके शटर खोल के अंदर जाके सो गया वो, और सुबह सोता ही मिला है। दुकान से कोई चीज चोरी नहीं हुई है और ना ही डिस्टर्ब हुई है, तो उसका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। फिलहाल युवक के खिलाफ धारा 151 यानी शांति भंग करने का अपराधी मानकर प्रकरण दर्ज किया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।